हाय गाइस, वेलकम बैक टू कोड फ्रीज। ये थर्ड ट्यूटोरियल है हमारी HTML सीरीज़ का, जिसमें हम लर्न करेंगे अबाउट ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। सो स्टार्ट करने से पहले गाइस, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दी चैनल प्लीज़। तो फर्स्ट थिंग हम स्टार्ट करते हैं विद ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। सो गाइस, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इन HTML हमेशा स्टार्ट होते हैं फ्रॉम अ न्यू लाइन, क्योंकि ये फुल विड्थ एलिमेंट्स होते हैं, जिसका मतलब कि ये पूरी तरह से स्ट्रेच करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ऑफ आवर वेब पेज। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज हैव टॉप बॉटम मार्जिन, जो स्पेस होती है एलिमेंट की, फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। बट इसमें एक एक्सेप्शन है जो कंटेनर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डिव और अ फॉर्म। इनमें कोई टॉप बॉटम मार्जिन नहीं होती है। इन कंटेनर एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं हम टू रैप अदर एलिमेंट्स विद इन इट, जिसके यूज़ से हम प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं हमारे पेज को। नाउ कुछ एग्जांपल्स फॉर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वुड बी पैराग्राफ, टैग, हेडिंग टैग, एट्सेट्रा। नाउ मूविंग टू इनलाइन एलिमेंट गाइस, हम कह सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑपोजिट होती है फ्रॉम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, बिकॉज ना ही ये नेक्स्ट लाइन से शुरू होते हैं और ना ही इनमें कोई टॉप बॉटम मार्जिन होती है। मार्जिन ना होने की वजह से ये एलिमेंट्स बाकी एलिमेंट्स के साथ बिना स्पेस के डिस्प्ले होते हैं। इमेज, बटन, इनपुट एलिमेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच इनलाइन एलिमेंट्स। नाउ गाइस, हम ओपन करेंगे कोड एडिटर और लर्न करेंगे कि कैसे इन्हें यूज़ करते हैं इनसाइड आवर वेब पेज। मूविंग टू आवर लास्ट स्लाइड, व्हाट आर सिमेंटिक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जिनके नेम से क्लियरली उसका मीनिंग पता चलता है टू ब्राउजर एंड डेवलपर आर कॉल्ड सिमेंटिक एलिमेंट्स। मोस्टली ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं टू यूज देम एज कंटेनर्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमें लेआउट रेडी करना है विद अ हेडर एंड नेविगेशन, तो हम इन सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे टू रैप हमारे अदर इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स टू गिव पेज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर जो ईजिली डिस्टिंग्विश करेगा अबाउट डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर वेब पेज। तो गाइज, हम ऑन करते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक पैटर्न क्रिएट करके रख रखा है जिसका हम यूज़ करेंगे। तो ये पैटर्न हमें हेल्प करेगा टू डिफरेंशिएट बिटवीन आवर डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर वेब पेज। तो आप देख सकते हैं पैटर्न में जो हमारा रैपर की तरह एक्ट करेगा अराउंड आवर ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स, वो होगा हमारा सिमेंटिक एलिमेंट। तो यही हमें पैटर्न फॉलो करना होगा फॉर अ गुड डेवलपमेंट, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड अप्रोच जब हम अपने HTML को क्रिएट करते हैं। तो गाइज़, इस पैटर्न का यूज़ करते हुए जो हम अपना फर्स्ट पैटर्न या फिर लेआउट क्रिएट करेंगे वो होगा नेविगेशन मेन्यू। तो नेविगेशन मेन्यू के लिए क्रिएट करने के लिए आप जो सिमेंटिक टैग का यूज़ करेंगे वो होगा nav। अब nav के अंदर हम ब्लॉक या फिर इनलाइन एलिमेंट कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ये कोई हार्ड कोड सेट नहीं है। HTML में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, उस हिसाब से आप अपनी CSS स्टाइल कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे हम लिंक देने के लिए नेविगेशन में a टैग का यूज़ करेंगे, जिसमें एक आप एट्रीब्यूट देख रहे होंगे href करके है। ये एट्रीब्यूट आप अगर हवर करेंगे तो इसमें लिखा है कंटेन्स अ URL। तो URL जो आपको लिंक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर गूगल पे आपको क्लिक करके ओपन करना है टैब, तो आप यहाँ पे गूगल का लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और ऐसे ही हम दो और नेविगेशन आइटम क्रिएट कर देंगे, फेसबुक, लिंक्डइन। तो ये हमारा नेविगेशन ऊपर जो हमने पैटर्न क्रिएट किया था उसी के हिसाब से क्रिएट हो चुका है। फर्स्ट है हमारा सिमेंटिक टैग और यहाँ पे हमने ब्लॉक एलिमेंट यूज़ नहीं किया है, हमने यूज़ किया है यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट जो ए है। अब इनलाइन एलिमेंट हम इसको देखते हैं एक बारी सेव करके कि ब्राउज़र में कैसे दिखता है। तो ये देखिए, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन। अब क्योंकि हमने यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट्स यूज़ करे हैं जो ऑब्वियसली हमें करने चाहिए अपने नेविगेशन के साथ, तो क्यों, ताकि साइड बाय साइड आ सके हमारे नेविगेशन आइटम। अब अगर आप यहाँ पे अपने डेवलपर टूल्स ओपन करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई या फिर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके HTML एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा नैव है, जो नैव हमारा है सिमेंटिक एलिमेंट है, और सिमेंटिक एलिमेंट्स मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया था ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होने के कारण ये फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं वेब पेज की। आप देख सकते हैं जैसे इस पर हवर करेंगे आप तो ये फुल विड्थ ले रहे हैं, और आप अगर इस पर हवर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये उतनी ही विड्थ लेते हैं जितना इनके अंदर कंटेंट है, क्योंकि ये इनलाइन लेवल एलिमेंट्स हैं। तो ये था हमारा गाइस फर्स्ट पैटर्न। अब हम सेकेंड पैटर्न की तरफ मूव करते हैं, और सेकेंड पैटर्न में हम क्रिएट करेंगे एक हेडर ऊपर सेम पैटर्न फॉलो करते हुए। तो हेडर क्रिएट करने के लिए हम फर्स्ट सिमेंटिक टैग जो यूज़ करेंगे वो होगा हेडर। अब इस हेडर में हम एक हेडिंग प्रोवाइड करेंगे, जो हेडिंग प्रोवाइड करेंगे हम वो हेडिंग टैग्स यूज़ करके करेंगे, जो होगा हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट। गाइस अगर आप हेडिंग देखेंगे तो हमारे पास हेडिंग कितने तरीके की है, हमारे पास हेडिंग 6 तरीके की है, मतलब जो इसका साइज़ है वो वेरी करता है 6 फॉर्मेट्स में, 6 साइजेस में। तो ये इट गोज़ फ्रॉम H1 टू H6, H1, H2, H3, H4, H5, H6। हम देखते हैं एक बारी। तो ये हम हेडर क्रिएट कर चुके हैं अपने ऊपर सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए। यहाँ पे हमने इनलाइन एलिमेंट को यूज़ नहीं किया है, तो हम देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं गाइस जो हमारा नेविगेशन है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है सिमेंटिक टैग होने के कारण, एंड हेडर ऑल्सो इज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो ये नेक्स्ट लाइन में आता है हमेशा, एंड फुल विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं सिमेंटिक टैग्स हमारे। अब जो हेडर के अंदर हमने यूज़ करे हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, तो इसलिए ये भी फुल विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। आप देख सकते हैं H1, H2, H3, H4, H5, और इसके नीचे जाओगे तो आपको H6 भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये साइज़ आप देख लीजिए H1 का बड़ा है, और नीचे जाते जाते छोटा होता रहेगा साइज़। तो ये था गाइस हमारा सेकेंड पैटर्न। एंड आप ऑल्सो देखेंगे जैसा मैंने बताया था ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे लीविंग सिमेंटिक टैग्स, ये हमेशा एक मार्जिन, टॉप बॉटम मार्जिन ऑक्यूपाई करते हैं। तो गाइज यहाँ से एक्स्ट्रा हेडिंग हम रिमूव करते हैं और क्लीन करते हैं अपने लेआउट को थोड़ा। एंड गाइज यहाँ पे हम जो ये लिंक टैग्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इसमें टारगेट एक एट्रीब्यूट है जिसमें आप अगर ब्लैंक डालेंगे तो जो ये लिंक ओपन करेगा गूगल का वो नए टैब में ओपन करेगा, नॉट इन द सेम टैब। जैसा कि हम यहाँ पे एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। जैसे ही हमने गूगल ओपन किया तो देखिए नए पेज नए टैब में ओपन होता है, और जिसमें हमने टारगेट नहीं यूज़ कर रखा है इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक, तो वो सेम पेज में ओपन करके देगा हमको। तो गाइस जो नेक्स्ट लेआउट हम क्रिएट करने वाले हैं ऊपर सेम पैटर्न फॉलो करते हुए, वो होंगे हमारे 3 सेक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे। तो पहला सेक्शन हम क्रिएट करते हैं, सेक्शन जो है अगेन सिमेंटिक टैग एलिमेंट है। एंड नेक्स्ट थिंग जो हम सेक्शन के अंदर यूज़ करेंगे वो होगा हमारा सेक्शन का हेडिंग। तो इस बारी हम जो हमने पेज की हेडिंग दी है उससे स्मॉल रखेंगे उसका फ़ॉन्ट साइज़। तो H1 ना यूज़ करते हुए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे H3। तो फर्स्ट सेक्शन जो होगा हमारा वो होगा अबाउट फेसबुक, और जो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे अगेन ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होगा हमारा P पैराग्राफ। तो यहाँ पे हम लॉरेम टाइप करके टैब प्रेस करेंगे तो 30 वर्ड्स हमारे लॉरम लिप्सन जो भी जिब्रिश टेक्स्ट होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा पहला सेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब ऐसे ही हम इसको कॉपी और पेस्ट कर देंगे दो बारी, तो ये हमारे तीन सेक्शन क्रिएट हो जाएंगे। तो पहला हमारा गूगल, सेकंड हमारा फेसबुक एंड थर्ड हमारा लिंक्डइन। अगेन सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, जस्ट to be clear about our different sections of the web page। ये हमारा पेज का header है and ये हमारे पेज के sections हैं। तो आप देख सकते हैं हम क्यों ये pattern follow करते हैं। आप अगर comment नहीं भी करते तो किसी और developer या फिर आपको खुद को बिना कमेंट के ही समझ में आ जाता है इन टैग्स को रीड करके कि ये सेक्शन पेज में कहाँ पे लाई कर सकता है और कहाँ पे नहीं। तो अगेन हमारा सेक्शन क्रिएट कर चुके हैं हम सेम पैटर्न फॉलो करके। तो इसको हम चेक करके देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो सी गाइस, हमारा नेविगेशन यहाँ पे है, हमारा हेडर यहाँ पे है, हमारे तीन सेक्शन और उनके डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे हैं। तो गाइज़, हम अपने सेक्शन को थोड़ा और इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे कुछ और कंटेंट ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेम स्ट्रक्चर दैट वी हैव बीन फॉलोइंग अबव। फर्स्ट वी आर गोइंग टू यूज़ अ आर्टिकल टैग विच इज़ अ सिमेंटिक टैग एंड ऑल्सो अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और इसके बाद हम अपने आर्टिकल में एक इमेज यूज़ करेंगे जो होगा हमारा इनलाइन एलिमेंट। तो इमेज एलिमेंट यूज़ करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दो एट्रीब्यूट है, एक सोर्स जिसमें आपकी इमेज का URL जाएगा और एक ऑल टैग है जिसको यूज़ करके आप एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी इमेज को। इन केस अगर आपकी इमेज ब्रेक होती है, किसी रीज़न की वजह से लोड नहीं हो पाती, तो ये टेक्स्ट अपीयर होगा इंस्टेड ऑफ इमेज। I'll show you the example. और इसके आगे हम कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे स्पैन एलिमेंट में जो कि हमारा इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो बीइंग दोनों एलिमेंट्स इमेज एंड स्पैन इनलाइन एलिमेंट्स, तो ये साइड बाय साइड डिस्प्ले होंगे और ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएंगे। तो स्पैन में हम एक कोई जिब्रिश सा टेक्स्ट ऐड कर देते हैं छोटा सा 10 वर्ड्स तक के लिए, एंड यही हम एक बारी चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं गूगल जो हमने ऑल टेक्स्ट डाला था वो यहाँ पे इमेज ब्रेक हो रही है तो हम अपीयर हो रहा है, और साइड बाय साइड जो स्पैन हमने इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में टेक्स्ट लिखा था वो भी डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी हम गूगल एक इमेज देते हैं, राइट क्लिक कीजिए आप इसमें और कोई सी भी इमेज यूज़ कर सकते हैं आप। जस्ट लिंक आप कॉपी करके अपने इमेज टैग के सोर्स एट्रीब्यूट में पेस्ट करिए एंड उसके बाद हम चेक करते हैं। तो देखिए आप गूगल की एक बड़ी सी जितनी भी विड्थ होगी इमेज की बाय डिफ़ॉल्ट वो उतनी ही विड्थ पे 100% डिस्प्ले होगा। तो इसको हम अभी थोड़ा स्मॉल करते हैं। छोटा करने के लिए हम यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं विड्थ, जिसको हम 250 कर देते हैं अभी के लिए। तो ये देखिए हमारा 250 से मतलब है 250 पिक्सल हमारा इस इमेज का विड्थ है। और हम ये आर्टिकल अपने हर सेक्शन पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो सी गाइस, पेज हमारा इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर हुआ है और सिर्फ HTML से ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, पेज को देखने में फील आ रही है कि प्रॉपर लेआउट हमने फॉलो किया है इसलिए। तो गाइस हम जल्दी से क्या करते हैं, हम जो इमेजेस हमने यहाँ पे यूज़ करी है गूगल की उसको हम जल्दी से करेक्ट कर लेते हैं। आप कोई सी भी इमेज यूज़ कर सकते हैं और कोई भी कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। यहाँ पे हम इसका ऑल टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं विद लिंक्डइन हेडक्वार्टर एंड फॉर फेसबुक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फेसबुक हेडक्वार्टर। फेसबुक की इमेज नेक्स्ट है, तो अब चेक करते हैं कि इमेजेस अपडेट हुई हैं कि नहीं। यस गाइस, इमेजेस अपडेट हो चुकी हैं और ये काफ़ी हद तक अभी बेटर लग रहा है इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेम गूगल इमेजेस। तो नेक्स्ट जो हम लेआउट स्ट्रक्चर करेंगे हमारे सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं वो होगा फुटर। तो फुटर सेमेंटिक टैग यूज़ करने के लिए फुटर यूज़ करेंगे आप एंड इसके अंदर हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट पी टैग यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम स्मॉल जो कि इनलाइन लेवल एलिमेंट है वो यूज़ करेंगे। अभी क्यों यूज़ होता है, अपना जो हमारा नॉर्मल फॉन्ट साइज़ आता है पी टैग के साथ उससे और रिड्यूस कर देगा हमारा फॉन्ट साइज़। तो फुटर में मोस्टली फॉन्ट साइज़ स्मॉल ही यूज़ होते हैं इसलिए दैट्स वाई। अब यहाँ पे एक और चीज़, अगर आपको कॉपीराइट सिंबल यूज़ करना है like I'll show you and copy semicolon colon आप या semicolon इसके बाद आप 2021 को freeze। ओके सो तो यहाँ हमारा फुटर तैयार हो गया है पैटर्न फॉलो करते हुए और ये रहा हमारा फुटर यहाँ पे जो काफ़ी सही दिख रहा है। तो बेसिकली I think you guys must have got a very clear idea about what are block level elements and what are block level inline elements, and also we have seen semantic block level elements and followed a very good pattern जो हमें development में हमेशा follow करना चाहिए। इससे हमारी coding को एक better structure मिलता है and also you will recognize your different parts of your web page very clearly, like we have commented out here sections, header, navigation जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी और यहाँ पे footer में भी हमको ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। तो guys कुछ और improvements और कुछ और tags के बारे में हम learn करते हैं जो हम भी use कर सकते हैं current web page में। तो ये जो हमने सेक्शंस बनाए हैं यहाँ पे तीन, इन तीनों सेक्शंस क्योंकि ये हमारे मेन कंटेंट है वेब पेज के तो हम इनको एक मेन जो टैग होता है HTML का सिमेंटिक टैग इसके अंदर हम रैप कर सकते हैं। तो यहाँ हमने तीनों सेक्शंस अपने मेन कंटेंट के अंदर रैप कर दिया है। तो आप देख सकते हैं अभी हम ओवरऑल अगर काउंट करें तो हमारे पास कितने रैपर्स क्रिएट हुए हैं। फर्स्ट है हमारा नेविगेशन का रैपर, सेकंड है हमारा हेडर रैपर, थर्ड है हमारा मेन रैपर जिसमें हमारे सेक्शंस हैं और लास्ट है हमारा फुटर रैपर। तो हमने यहाँ पे 4 रैपर्स यूज़ करे हैं विद सिमेंटिक स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। नाउ फॉर दिस सेक्शन मेन सेक्शन हम यहाँ पे इसको अगर देखेंगे हमारे प्रीवियस पैटर्न को, तो हमने सिमेंटिक टैग के अंदर एक और सिमेंटिक टैग यूज़ किया है और उसके अंदर हमारे ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स है। तो एक्चुअली में एक तरीके से ये स्ट्रक्चर भी आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग हम लर्न करेंगे कुछ और एलिमेंट्स के बारे में। जैसे ये फर्स्ट सेक्शन है हमारा, फर्स्ट सेक्शन में आर्टिकल हमारा यहाँ पे इनक्लोज्ड है। तो सेक्शन में अगर हम देखें ऐड करना चाहेंगे कुछ लिस्ट आइटम्स, तो हम ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो लिस्ट इन HTML आर ऑफ टू काइंड्स, अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम इन दोनों का डिफरेंस अभी देखेंगे कि क्या होता है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट आप यूज़ करने के लिए UL टैग यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे li टेक्स्ट, जो अगेन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट एंटर करेंगे। गूगल अकाउंट 1, गूगल अकाउंट 2, और यही हम अनऑर्डर्ड लिस्ट सेकेंड सेक्शन में कॉपी पेस्ट करेंगे। बट इसमें हम अनऑर्डर्ड के बदले हम ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे, और इसी से ही हमें पता चलेगा कि इस इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। आप Ctrl+D का यूज़ करके सेम लेटर अगेन उस पर कर्सर ला सकते हैं और साथ में एडिट कर सकते हैं। तो ये हमारा एडिट हो गया। हम अपने डॉक्यूमेंट की तरफ चलेंगे वेब पेज में। तो हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे एक बारी, तो आप देख सकते हैं जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो बुलेट पॉइंट के साथ आती है। एज नेम सेज इट इज़ अनऑर्डर्ड, और जो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है तो वो नंबर्स के साथ आएगी। एज नेम सेज इट इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये दो और HTML के एलिमेंट्स हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, जो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप क्लोजली देखेंगे तो जो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है एंड ऑर्डर्ड लिस्ट है वो क्रिएट हुई है हल्की सी स्पेसिंग के साथ। लेफ़्ट में आप अगर चेक करेंगे तो हल्की सी स्पेसिंग है। तो आप अगर इंस्पेक्ट करेंगे इन इस एलिमेंट को तो आप देख सकते हैं ये जो UL है इसमें थोड़ी सी हमें पैडिंग लेफ़्ट साइड से ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र से मिलती है। ऐसे ही जो हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें भी सेम जो हमें मिलता है पैडिंग और मार्जिन। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 पिक्सल हमें मिला है पैडिंग। यूज़र एजेंट जो स्टाइल शीट होती है वो ब्राउज़र की स्टाइल शीट होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग की वजह से जो स्पेसेस प्रोवाइड की जाती है ब्राउज़र से तो वो यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। ऐसे ही अगर आप पूरी बॉडी में अगर आप चेक करेंगे तो एक मार्जिन है जो है 8 पिक्सल। इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं बट वो CSS का पार्ट है। तो जब हम CSS किसी चीज़ से स्टार्ट करेंगे तब वहाँ पे ये सब हम चेकआउट करेंगे इन डेप्थ अबाउट मार्जिन एंड पैडिंग एंड ऑल। तो फ़िलहाल के लिए अभी 2 एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लर्न कराए नए, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। अनदर टैग that we might want to use is break tags. अब break tags क्या होते हैं? Break tags are block level elements too and they are self-enclosing tags. इसके बीच में हमें कोई कंटेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका काम होता है लाइन ब्रेक देने का। अब देख सकते हैं आप जैसे फुटर में और हमारे मेन सेक्शन में ज़्यादा कोई गैप नहीं है, तो हमें अंडरस्टैंडिंग होने के लिए कि ये हमारा फुटर है तो हम यहाँ पे मेन सेक्शन से थोड़ी स्पेस ऐड कर सकते हैं यूजिंग ब्रेक टैग्स। तो हम जो हमारा मेन सेक्शन है और जो फुटर सेक्शन है उसके बीच में हम ब्रेक्स ऐड करेंगे तो इनके बीच में थोड़ी स्पेस लाइन ब्रेक्स आ जाएगा। आप देख सकते हैं डिस्टेंस बढ़ चुका है तो अभी थोड़ा ये क्लीन लग रहा है। हमें पता चल रहा है कि हमारा फुटर जो है मेन कंटेंट से अलग है. It is a different part of our HTML structure. So guys, we have learned about block and inline elements. और next video में हम learn करेंगे about text formatting and use of class and ID in HTML. Please like, share, subscribe the channel. See you guys in the next video.